हेलो माय लवली बेकर्स। तो आज का वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा कि मतलब मैं किस तरह की वीडियो बनाती हूँ और ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं, और मैं सभी सच दिखाती हूँ या फिर झूठ दिखाती हूँ, सब कुछ क्वेश्चन का आज आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए चैनल को मतलब वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए पहले मैं एक आधा किलो की केक बनाऊंगी, जो कि मतलब इसका डिज़ाइन इतना अच्छा है ना, आप नॉर्मल आधा के जी में अगर किसको देंगे ना वो खुश हो जाएंगे, और बहुत ही सुंदर दिख रहा था ये केक। मैं पहले केक को मतलब लेयरिंग कर रही हूँ, 3 लेयर में कट कर देना है। मैं साइड्स को मिडल में यूज़ करती हूँ। आप नॉर्मल जिस तरह मतलब केक को लेयरिंग करते हैं, केक कट करते हैं 3 लेयर में, उसी तरह कर दीजिए। फिर बोर्ड पर क्रीम लगाने के बाद मैंने केक का फर्स्ट लेयर को इसके ऊपर रख दिया। शुगर सिरप मैंने ऐड कर रही हूँ, और 1/4 कप पानी में 1 टेबलस्पून आप शुगर पाउडर यूज कीजिए, और ये टेस्ट अपने केक के मिठाई के अकॉर्डिंग आप शुगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं जिस तरह हमेशा क्रीम देती हूँ दे रही हूँ, और पाइनएप्पल का क्रश यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा मालास का ही करती थी, मैं बीच में कुछ मालास का अवेलेबल नहीं था, अलग कुछ ब्रांड का ले आई थी, जो कि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था और पसंद नहीं था, इसीलिए मतलब इतना टेस्ट नहीं लगा। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मालास का यूज़ करूँ, और ख़त्म होने से पहले मैं स्टॉक में ला करके रख देती हूँ, ताकि कभी भी मेरे केक की टेस्ट में किस मतलब टेस्ट में फ़र्क नहीं आए, और कस्टमर का हमेशा टेस्ट वाला केक ही जाना चाहिए। और कभी कभी आप अपने केक का टेस्ट जानने के लिए घर में भी कभी कभी बना दीजिए केक, ताकि आपको मतलब जिस तरह मार्केट में देते हैं बिल्कुल उसी तरह उसी क्वांटिटी में सब बनाइए। इस केक को मैंने भी उसी तरह ही बनाई थी, और देखिए साइड में मैं एक पाइपिंग बैग लेकर के क्रीम भर करके उसको लगा लिया। फिर स्पैचुला से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। इस तरह करने से बहुत इजीली हो जाता है और टाइम से हो जाता है। अगर आप बिगनर हो ना, इसको एक बार ट्राई कीजिए कि आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इस तरह ही नहीं बोल रही हूँ, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपके लिए जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो बहुत ही हेल्पफुल हो, और लग भी मुझे रहा है कि आपको हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो कमेंट कर दीजिए या फिर 100 लाइक्स करवा दीजिए। तो उसी तरह ही मैंने इसको फिनिशिंग दे रही हूँ एक स्क्रैपर यूज़ करके, और ये पतला वाला स्क्रैपर ना बहुत ही हेल्पफुल होता है। और आप चाहे तो जो ड्रेस आता है, ड्रेस में टैग्स आता है, उसको यूज़ करेंगे ना, उससे भी बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग हो जाता है। कभी कभी मैं कितने वीडियो में भी आपको दिखाई हूँ, अगर आप पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। अभी अभी तो मैं ये स्क्रैपर ही दिखा रही हूँ। देखिए स्क्रैपर को सिर्फ हल्के हाथों से पकड़ना है और टर्न टेबल को घुमाते जाना है। और अगर आप प्रोफेशनल मतलब बेकर होना चाहते हैं, अगर बिजनेस को पूरा चाहते हैं कि हाँ मुझे बेकरी बिजनेस करना है, तो आपको टर्न टेबल अच्छा वाला लेना चाहिए, मतलब इस तरह स्टील का। अगर आप बस ऐसे ही घर पर बना रहे हैं सीखने के लिए, तभी आप इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, तब ना आप प्लास्टिक वाला यूज़ कर सकते हैं। पूरा फिनिशिंग होने के बाद मैंने रेनबो स्प्रिंकल ऐड कर दिया चारों तरफ। अगर आपको रेनबो केक बनाना है ना, तो आप रेनबो स्प्रिंकल यूज़ कीजिए। और ये कस्टमर अगर ज़्यादा पैसा दे रहा है तो ज़्यादा ऐड कीजिए साइड में, अगर नहीं नॉर्मल ज़्यादा नहीं दे रहे आप उसको कम यूज़ कीजिए। कस्टमर जितना पैसा देता है उतने अकॉर्डिंग ही आप डेकोरेशन का चीज़ें यूज़ कीजिए, ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए। और ये रेनबो डिज़ाइन ना फॉन्डेंट यूज़ नहीं होता है, और बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर दिखता है। आपको इस तरह एक बड़ा सा नाइफ़ या कुछ भी लेना है मार्क करने के लिए, आप स्केल भी ले सकते हैं। मिडिल से थोड़ा नीचे मार्क करना है, मैं मिडिल से थोड़ा नीचे बोल रही हूँ, मतलब दो पार्ट आप जब करेंगे ना, उसको ऊपर पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, नीचे का पार्ट जहाँ पर आप रेनबो बनाएंगे वो ज़्यादा होना चाहिए और नीचे का पार्ट कम होना चाहिए। मैं पहले मिडिल में ले लिया था, क्या प्रॉब्लम हुआ आपको वो भी मैं पहले दिखाऊँगी, शेयर करूँगी, आप देखते जाइए आपको पता चल जाएगा। तो पहले रेड कलर का मैंने ले लिया, और आप चाहते तो स्टार जैसा बना सकते हैं, लेकिन मैं स्टार जैसा नहीं बनाई, क्योंकि ये हम एक तरह के हमारे पास तो 7 नोजल नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के स्टार नोजल मैंने यूज़ किया है। अगर स्टार आप बनाएंगे ना वो एक तरह के नहीं दिखेगा, अगर आप थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह खींचेंगे ना, तो ये जिस तरह के भी नोजल हो ना इसका पैटर्न सेम दिखेगा, इसीलिए मैंने इस तरह किया। और वो प्रॉब्लम क्या हुआ था ना,
देखिए मैं पूरा हाफ में पहले मार्क किया था, और ये रेनबो ना बहुत जब पूरा कलर हो गया ना ये बहुत छोटा दिखा, इसीलिए मैंने फिर नीचे और दो मैंने कनेक्ट कर लिया ताकि आधा से नीचे हो जाए और ये मतलब बिल्कुल सुंदर दिखे। और आप ये रेनबो केक मतलब बिगनर हो ना बहुत ही आसान से बना पाओगे और बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। आप नॉर्मल आधा किलो में भी बन पाएगा, एक किलो में भी बन पाएगा। आप जिनके लिए इसको बना करके देंगे वो भी खुश हो जाएंगे। और ट्राई कीजिए कि रेनबो कलर यूज़ कर रहे हैं ना तो कलर मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, इसीलिए ट्राई कीजिए कि आप कस्टमर को पहले बोल दें कि रेनबो कलर में थोड़ा सा कलर ज़्यादा जाएगा और अच्छी क्वालिटी की कलर यूज़ कीजिए। मैं तो वो कल मैं जिस कलर का यूज़ कर रही हूँ ना उसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है, मैं मेंशन कर दूंगी और किस दिन। और सब पर्पल कलर जिस तरह देने के बाद मैं अभी जो वाइट कलर का पाइपिंग बैग यूज़ कर रही थी हमारा केक को फिनिशिंग करने के लिए ना वो उसको ही यूज़ कर रही हूँ मैं क्लाउड्स बनाने के लिए नीचे। और ये देखिए आप देख सकते हैं बनाने के बाद केक बिल्कुल कंप्लीट हो गया था और बहुत सुंदर दिख रहा था। जो जितना अभी बचा हुआ क्रीम था मैंने सोची कि इसको यूज़ कर लूँ और पूरा कंप्लीट कर दूं केक को, इसीलिए मैं इसको इसके अंदर सब भर रही हूँ। और एक नीचे इसका मैं राउंड राउंड करके किस तरह पैटर्न बना रही हूँ आप देखिए, ताकि ये केक का लुक ना और बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको आप एक बार ट्राई कीजिए अगर रेनबो केक का ऑर्डर आ रहा है। देखिए मैं बस घुमाते जा रही हूँ, और थोड़ा सा अगर आपके पास क्रीम नहीं है ना थोड़ा सा वाइट कलर उसमें ऐड कर दीजिए और फिर से उसी पैटर्न का बनाते जाइए। मेरे पास मल्टी कलर का उतना ही था इसीलिए मैं थोड़ा सा वाइट कलर उसमें दे दिया और फिर राउंड राउंड देखिए बस राउंड राउंड घुमाते ही जाना है। आपको लग रहा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरा प्रैक्टिस हो गया इसीलिए मैं बना दे रही हूँ, लेकिन ये ईजी है, आप करते जाएंगे तो ना हो जाएगा। आप देख सकते हैं केक का लुक कितना अच्छा आया है, और आपको आगे देखिए मैं दिखाऊंगी काट करके केक, मतलब एक एक बच्चे घर पर काट लिए और आपको दिखा रही हूँ कि मैं जो टूटा फूटा काट करके लेयरिंग में हमेशा यूज़ करती हूँ आपको पसंद नहीं आता है वो सब चीज़ें। और आप सोच रहे होंगे कि केक का मतलब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन काटने के बाद ना मैं इतना कम क्रीम लेयरिंग में यूज़ कर रही हूँ ताकि केक के अंदर मतलब सिर्फ केक का बेस ही स्पंज ही दिखता है, उसके अंदर वो क्रीम ज़्यादा नहीं दिखता है। आप पूरा देख सकते हैं कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैं काट करके यूज़ कर रही हूँ। और इसका प्राइस आप नॉर्मल हाफ के जी जितना उतना ही ले सकते हैं, मैंने तो इसको 280 में सेल किया था, आप चाहे तो ज़्यादा में भी कर सकते हैं। और जितना हाफ के जी का आपके एरिया में मतलब आप सेल करते हैं उतने में ही कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।